ये वीडियो चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला हिस्सा है, जिसमें हम देखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, और उसके बाद हम फैराडेज लॉ और लेंजेज लॉ पढ़ेंगे। फैराडेज लॉ पढ़ने से पहले हम ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं। इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। और नॉर्मली ईएमएफ हम बैटरी का डिफाइन करते हैं। बैटरी का काम होता है कि उसके पास लो पोटेंशियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स आते हैं, और वो इनको उठा के हाई पोटेंशियल पे रख देती है। और ऐसा कैसे करती है? वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क परफॉर्म करती है। वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके नतीजे में डिस्प्लेसमेंट होती है, और इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चल जाते हैं। जो वर्क उनके ऊपर परफॉर्म किया जाता है वो उनके अंदर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, और अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल के ऊपर आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के यूनिट्स देख लेते हैं। इसके यूनिट्स वोल्ट्स हैं, इंडक्टेंस के यूनिट हेनरी होते हैं, फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट फ्लक्स डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इसके यूनिट होते हैं टेस्ला, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट्स होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज होता है। इन दोनों के यूनिट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है, ये भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए ये इसके साथ सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। जब साइंटिस्ट को यह पता चला कि एक वायर में से अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, तो वो ये देखना चाहते थे कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट जनरेट करा सकते हैं या नहीं। माइकल फैराडे ने 1831 में ये साबित किया कि हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अगर हम फ्लक्स चेंज करें किसी लूप ऑफ वायर में से, तो उसमें करंट पैदा हो जाता है। यानी हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इनडायरेक्टली करंट फ्लो करा सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक वायर हो, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, तो फिर इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में एक ईएमएफ सेटअप हो जाएगी। इन दोनों एंड्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव हो जाएगा, और अगर मैं इस लूप को क्लोज कर दूँ तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और ये जो ईएमएफ सेटअप होती है इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। यानी हम रिकैप इस तरह कर सकते हैं कि फैराडेज लॉ के मुताबिक अगर फ्लक्स चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट होती है। ये फैराडेज लॉ की रफ स्टेटमेंट है। अब हम देखेंगे कि इसमें एक माइनस साइन होता है जो कि हमें बताता है इसकी डायरेक्शन, जिसको हम लेंजेज लॉ में डिस्कस करेंगे। अगली स्लाइड में हम ये देखना चाहेंगे कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है। Induced current is obtained by moving a loop of wire across a magnetic field, across an electric, or across a gravitational या free space plane. तो induced current, जब हम loop of wire को magnetic field में move कराएंगे तो उसके अंदर से flux change होगा, और flux change होगा तो induced current पैदा होगा। Electromagnetic induction is the phenomena in which an EMF is induced in the coil or circuit due to change of flux through it. When the coil is moved in a magnetic field, placed in a magnetic field, coil is moved in an electric field, placed in an electric field. अब अगर एक loop of wire है और हम कह रहे हैं कि उसके अंदर electromagnetic induction पैदा होती है जब हम उसको, जब उसके अंदर से flux change होता है, वो flux कब change होता है? जब हम इसको सिर्फ magnetic field के अंदर रख दें या magnetic field के अंदर move करें। electric field वाले तो वैसे ही गलत हैं। magnetic field के अंदर हम इसको रख देंगे तो फिर field lines change नहीं होंगी, अगर हम इसको move करेंगे तो उसके अंदर से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होंगी, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक है। अ वायर ऑफ लूप इज मूव्ड पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम पैरेलल लूप को लेके जाएंगे तो ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? जब चेंज इन फ्लक्स हो, और फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए के। जब वो पैरेलल होंगे, एरिया वेक्टर इस तरह होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगी, कॉस 90 पे जीरो होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, चेंज इन फ्लक्स भी जीरो होगा, तो इसमें जीरो होगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर एक लूप ऑफ वायर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह मूव करते हैं कि उसके अंदर से फ्लक्स चेंज हो, तो ईएमएफ क्यों इंड्यूस होती है? ये एक लूप है, इस मैग्नेटिक फील्ड इस स्क्रीन के अंदर की तरफ है। अगर मैं इसको ऊपर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करूँ और इसको उठा के इधर रख दूँ, और इसको मैं मूव वेलोसिटी वी से करती हूँ और डिस्टेंस एक्स ये कवर करता है, ऐसा करने से क्या होगा? इस वायर के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस चेंज हो रही हैं, और जब फ्लक्स लाइंस चेंज हो रही हैं एक लूप के अंदर से, तो फैराडेज लॉ के मुताबिक इसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा। मगर ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए होता है ऐसा
क्योंकि इस वायर के अंदर मौजूद जो चार्जेस होते हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है जब हम उनको वेलोसिटी वी से मूव करते हैं, क्योंकि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जरूर एक्ट करता है। मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी के। ये फोर्स अगर हम इस केस में देखें, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह बनेगी कि इस फोर्स की वजह से यहाँ पर मौजूद एक चार्ज इधर से उठ के ऊपर चला जाएगा। समझेंगे, फासला एल कवर करता है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वर्क कितना परफॉर्म किया इस मैग्नेटिक फोर्स ने। इस मैग्नेटिक फोर्स को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ जो लेंथ कवर की इस चार्ज ने, तो मेरे पास आ जाएगा वर्क डन। और चूंकि हम चार्जेस की बात करें तो हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज देखेंगे। ये हमें देगा ईएमएफ कितना जनरेट होगा। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें, क्यू वी क्रॉस बी मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू क्यू से कट जाएगा, मेरे पास एक ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा एल वी क्रॉस बी। इसका मतलब है ईएमएफ सेटअप हो गई इन दो पॉइंट्स के दरमियान। इसी तरह ईएमएफ सेटअप हो जाएगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान और इन दो इन सब कि वायर के अंदर ईएमएफ इस तरह सेटअप हो जाएगी कि सब इलेक्ट्रॉन्स इस पोटेंशियल से उठ के दूसरे कोने पे आना शुरू हो जाएंगे। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, सारे नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एक ज़्यादा तादाद यहाँ से चली जाएगी, तो इस टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इस वजह से इन दो टर्मिनल्स के दरमियान हम कहते हैं कि ईएमएफ सेटअप हो गया। अगर हम इनको क्लोज करेंगे तो फिर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस लूप में से। उसका एक्सप्रेशन ईएमएफ का हमें इस इक्वेशन से मिलता है जो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। मैंने कॉइल को वेलोसिटी वी से मूव किया और ये डेल्टा एक्स इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की। वेलोसिटी को मैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिख सकती हूँ। और ईएमएफ का जो मेरे पास एक्सप्रेशन है उसमें एल वी क्रॉस बी है। इस वेलोसिटी की जगह मैं डेल्टा एक्स भी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों की एक डायरेक्शन है, कॉन्स्टेंट टी है, इसको हम बाहर रहने देते हैं, क्रॉस विद बी हो जाएगा। अब मेरे पास लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है डेल्टा एक्स के साथ। लेंथ ये है जो डिस्टेंस चार्जेस ने कवर किया, ये वो एरिया है जिसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है इस लूप में, वो एरिया जिसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एरिया। अब एरिया वेक्टर की एक खास बात है कि एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होती है। तो पहले हम लेंथ एल ले रहे थे जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में था लेफ्ट टू राइट, मगर अब चूंकि हम एरिया ले रहे हैं तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट में चेंज हो जाएगा क्योंकि हर चीज ऑपोजिट हो जाती है जब इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है। डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। B डॉट A क्या होता है, हमारे पास फ्लक्स होता है, चेंज इन एरिया हमने लिया, हमारे पास चेंज इन फ्लक्स आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम इस एक कॉइल के बजाय n लूप्स ले लें, इसके फर्ज करें कि n लूप्स थे, इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ये हमारी स्टेटमेंट है फैराडेज लॉ की। यहाँ पर माइनस साइन होता है जो कि लेंज़ लॉ की वजह से होता है, जो कि हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे। n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर एक एरिया में से फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बल्कि फ्लक्स के अंदर एन भी शामिल होता है क्योंकि ये टोटल फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर होता है जितना उस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है फैराडेज लॉ के मुताबिक। द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट विल प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फ्लक्स एक सर्किट में से चेंज हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा होती, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं पैदा होता, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। इफ व्हेन अ वायर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर इज मूव्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 टेस्लास देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, ईएमएफ वीवीएल के बराबर होती है, हमने देखा था एल वी क्रॉस बी, और चूंकि वो परपेंडिकुलर है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को वीवीएल लिख देते हैं। हम इन सारी वैल्यूज को प्लग इन करते हैं, 2 मीटर पर सेकंड, 10 टेस्लास और लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। सारी कैलकुलेशंस करके हमें पता चलेगा कि ऑप्शन सी हमारा ठीक है। लेंज़ लॉ हमें ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि हमें फैराडे लॉ बताता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है चेंज इन फ्लक्स के, यानी ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। ये चीज चेंज इन फ्लक्स है,
इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर मेरे पास एक लूप ऑफ वायर हो और मैं एक बार मैग्नेट उसके करीब लेके आ रही हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके अंदर से ज्यादा हो रही हैं. जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है फ्लक्स ज्यादा होने की कोशिश कर रहा है. तो EMF इस तरह सेटअप हो जाएगा कि वो उसको कम करने की कोशिश करेगा. इस लूप में करंट फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी राइट हैंड रूल से कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करे और कैंसिल आउट करे, यानी ओवरऑल वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करेगा. यानी फ्लक्स ज्यादा हो रहा था उसको कम करने की कोशिश की EMF ने. और इसके ऑपोजिट, जब मैग्नेट को मैं दूर लेके जा रही होंगी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप में से कम हो रही होंगी, तो ये डायरेक्शन अपनी ऑपोजिट कर लेगा. अब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसी तरह फ्लो करेंगी जिस तरह मैग्नेट की थी. और फिर इन दोनों केसेस में हमें रेजिस्टेंस फेस होगी. पहले केस में जब हम इसको इसके करीब लेके आ रहे थे तो हमें एक रेजिस्टेंस फेस होगी EMF की वजह से, क्योंकि इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी. दूसरे केस में जब हम इसको दूर लेके जाने की कोशिश करें तो हमें दूर ले जाने में भी रेजिस्टेंस फेस होगी. तो ये लेंजेज लॉ है और इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जब भी हम फ्लक्स को ज़्यादा या कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो EMF ऐसी डायरेक्शन में पैदा होता है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है. अ मेटालिक रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल. एक रिंग टेबल पे पड़ा हुआ है. नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट. द डायरेक्शन ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द रिंग विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन. किस पे डिपेंड करेगी? इंड्यूस्ड EMF है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और मैग्नेट को हम इसके करीब लेके आ रहे हैं इसलिए डेल्टा फाई हमारा इंक्रीज हो रहा है. तो डायरेक्शन, उन्होंने पूछा डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी. डायरेक्शन लेंथ पे नहीं डिपेंड करती, स्पीड पे नहीं करती, पोल स्ट्रेंथ पे नहीं करती. डायरेक्शन सिर्फ मोशन ऑफ मैग्नेट पे डिपेंड करती है. लेंजेस लॉ डिपेंड करता है कि मैग्नेट आप करीब ला रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं. डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट पे डिपेंड करती है. व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ सर्कुलर कॉइल, द मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेट विल बी डिस्ट्रॉयड. फोर्स ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विल एक्सेलरेट द मोशन ऑफ द मैग्नेट. फोर्स ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विल अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट. नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. जब बार मैग्नेट कॉइल के करीब लेके आएंगे तो मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो फोर्स होता है इंड्यूस्ड करंट का वो अपोज करता है मोशन ऑफ द मैग्नेट का, क्योंकि लेंजेस लॉ के मुताबिक हमेशा ऑपोजिट होता है. ये हम पढ़ चुके हैं अभी आखिरी स्लाइड में. द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल प्लेज द सेम रोल एज एंगुलर मोमेंटम प्लेज इन मैकेनिक्स, मोमेंटम एनर्जी या इनर्शिया. हमने देखा था कि लेंजेस लॉ के मुताबिक इंडक्टेंस इनर्शिया की तरह काम करता है और रेजिस्ट करता है. जो भी चीज चेंज इन फ्लक्स कॉज करी होती है उसको रेजिस्ट करता है. तो ऑप्शन डी हमारा ठीक है. नंबर ऑफ मैक्सवेल इन वन वेबर इज. नंबर ऑफ मैक्सवेल वन वेबर में ये होता है कि मैक्सवेल एक पुरानी यूनिट है. गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होती है. गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. और वन गॉस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का और मैक्सवेल यूनिट है अभी हम देखते हैं. गॉस मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया स्क्वायर किया जा रहा है. बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? फ्लक्स. तो मैक्सवेल फ्लक्स की यूनिट है और फ्लक्स की मॉडर्न यूनिट है SI सिस्टम में वेबर. और वेबर होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर. अब हम गॉस को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं. वन गॉस इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला. और सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए भी हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि सेंटीमीटर 10^-2 को भी स्क्वायर करना पड़ेगा. तो वो 10^-8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा और वन वेबर इसके बराबर होगा. तो उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ मैक्सवेल्स इन वन वेबर. नंबर ऑफ मैक्सवेल्स का मतलब है इसको इधर ले जाएं. 10^8 मैक्सवेल्स बराबर होते हैं वन वेबर की. और इन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अभी मेरी समझ से बाहर है. बारह ये 10^8 होता है